हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, गुड्स ट्रेड डेफिसिट इट्स अ 10 मंथ हाई। तो ट्रेड डेफिसिट क्या है, ये हमारे लिए अच्छा है बुरा है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, ये आपको समरी के साथ बताऊंगा। गुड्स तो आप समझ रहे हैं, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का सामान वगैरह होता है, और ये 10 मंथ हाई पे चल रहा है। तो ये समझ क्या आ रहा है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, तो हमारे लिए अच्छा तो नहीं है। देखते हैं, इंडियाज फॉरेन ट्रेड हिट्स अ फ्रेश ट्रॉफ इन अगस्त। ट्रॉफ मतलब और निचले स्तर पे गया है, जैसे ये ऐसे हम लोग ग्राफ चलता है, तो इसको ट्रॉफ बोलते हैं। विथ गुड्स एक्सपोर्ट श्रिंकिंग फॉर दी 7th सक्सेसिव मंथ, तो 7वें लगातार महीने में ये नीचे आया, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आगे देखते हैं क्या है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स एस्टिमेटेड टू हैव ड्रॉप फॉर द फर्स्ट टाइम इन वेल फॉर अ ईयर एंड द गुड्स ट्रेड डेफिसिट हिटिंग अ 10 मंथ हाई। तो ये 10 महीने के उछले स्तर पे गिरा हुआ है, मतलब जितना गिरा है वो 10 मंथ से अभी तक उतना नहीं गिरा है, यहाँ पे ये बता रहे हैं। द एक्सटेंट ऑफ डिक्लाइन इन आउटबाउंड शिपमेंट्स ईज्ड टू 6.86% इन अगस्त फ्रॉम डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन। डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन मतलब आप समझ रहे हैं, डबल डिजिट मतलब 10 से प्लस परसेंटेज से ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब ये माइनस होगा तभी। इन रिसेंट मंथ्स टू हिट दैट 3 मंथ हाई वो वर्थ $34.5 बिलियन। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आफ्टर ग्रोइंग एट अ शार्प 26.7% रेट इन 2022-23 वर रेकनोड टू हैव श्रंक 4.04% इन अगस्त टू 26.39 बिलियन। स्टोकिंग फियर्स अबाउट वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट। अब देखिए, यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वाइडनिंग मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारे लिए बढ़ जा रहा है इस क्वार्टर में। दी मर्चेंडाइज इम्पोर्ट बिल फॉर अगस्त ड्रॉप 5.23% ईयर ऑन ईयर टू 58। मतलब देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब अगर पिछले साल का अगस्त देख रहे हैं तो, मतलब पिछले साल का अगस्त तो ये हो गया, तो इस साल का अगस्त हम लोग देखेंगे फिर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब जो महीना इस साल का देख रहे हैं वही महीना पिछले साल का भी देखेंगे, तो उसमें हम लोग को मिला है 5.23%। ठीक है, ये फिगर्स दिए है, बट वॉज एट 10.85 हायर देन जुलाई। पर अगर हम लोग लास्ट मंथ से देखें तो वो 10% बढ़ा है, मतलब आप देखिए ऐसा है कि लास्ट मंथ से तो बढ़ा है, ठीक है, पर अगर हम लोग पिछले देखें तो वहाँ से ऐसे ऐसे आया होगा, पर यहाँ तो लास्ट मंथ से बढ़ा है, पर जो एक साल से है वो घटा है। तो अगर ये एक साल का है तो देखिए उससे तो घटा है, पर लास्ट मंथ से बढ़ा है, वही बात हो रही है। लास्ट मंथ के कंपैरिजन में 10% बढ़ा है, तो पिछले साल से उसी महीने में 5% घटा है। तो देखते हैं आगे, बिलियन इंपोर्ट टैली लिफ्टिंग द गुड्स ट्रेड फॉर अगस्त टू $24 बिलियन, जस्ट 2.8 अबव अगस्त इतना नंबर्स एंड ऑलमोस्ट 17% ओवर जुलाई इतना। अदिति नायर चीफ इकोनॉमिस्ट एंड हेड ऑफ रिसर्च एट ICERA सेड द शार्प सिक्वेंशियल अपटेक इन इंपोर्ट इन अगस्त हैड वाइडनड द ट्रेड डेफिसिट। तो मतलब ये जो इम्पोर्ट आपका ज़्यादा हुआ है, अब देखिए ट्रेड डेफिसिट दो रीज़न से हो सकता है, एक तो इम्पोर्ट बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट घट रहे हैं, तो यहाँ पे आई यहाँ पे ई। तो ये जो हुआ है ये ज़्यादा इम्पोर्ट से हुआ है, यहाँ पे एक्सपोर्ट का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है। गुड ट्रेड डेफिसिट हिट्स अ 10 मंथ है, वही यहाँ पे कंटिन्यूएशन है। विद इन द मंथ्स मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट एवेंजिंग एवरेजिंग मच हायर ड्यूरिंग जुलाई अगस्त विज अविज अप्रैल जून 2023। इंडियाज करेंट अकाउंट डेफिसिट इज लाइकली टू वाइडन इन दिस क्वार्टर। देखिए, करेंट अकाउंट डेफिसिट बार बार यहाँ पे मेंशन हो रहा है, इंपॉर्टेंट होता है, और इस क्वार्टर में ये बढ़ रहा है, तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका इफेक्ट हमारे फिर ईयरली बेसिस पे भी पड़ेगा। उसी तरह होता है, आपका मिड टर्म खराब होंगे तो आपको फाइनल्स में अच्छा करो तब भी ये थोड़ा सा पुल बैक करते हैं, ये वही वाला बात है। नियरली हाफ ऑफ द डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट दिस इज ड्रिवन द डिक्लाइन इन प्राइसेस। अच्छा, तो आप देखिए, हाफ ऑफ द डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट दिस ईयर, तो एक्सपोर्ट लगभग लगभग हाफ हो गया है किसका, आपके इसका जो भी आपके गुड्स है उसके कारण क्या है, आपके पेट्रोलियम प्राइसेस जो डिक्लाइन हुए हैं। नथिंग दैट थॉट एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वर अप 6% ड्यूरिंग अप्रैल टू जुलाई। प्राइसेस वर 27% लोअर देन ईयर अगो। तो प्राइस तो मैं मतलब इन्फ्लेशन नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट 13 कमोडिटीज दैट अकाउंटेड फॉर अबाउट 23% ऑफ आर एक्सपोर्ट इन दिस पीरियड
हैव सीन अ राइज इन वॉल्यूम डिस्पाइट अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ शिपमेंट्स. तो वॉल्यूम बढ़ा है पर वैल्यू कम हुआ है. इंडिकेटिंग देयर इज स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट्स. अब देखिए इसका दो रीजन मैं बताऊंगा या इसका मैं समझाऊंगा ये क्यों होता है. अब देखिए इंडियन रुपी भी होता है ना, तो उससे क्या होता है जब आपके दाम सस्ते हो जाते हैं तो आप ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे, तो बाहर लोगों को वो आपकी चीज़ें सस्ते में मिलेंगी, तो वॉल्यूम तो बढ़ गया आपका पर आपकी वैल्यू यहाँ पे वैल्यू घट गई. इसके वजह से भी वॉल्यूम कई बार बढ़ता है क्योंकि आपकी चीज़ें बाहर इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाती है. तो सस्ते कॉम्पिटेटिव मतलब दूसरे के मुकाबले सस्ते दाम पर मिल रही हैं, तो लोग उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं. और हमारे इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी होती है. कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल सेड ही वॉज मोर ऑप्टिमिस्टिक नाउ अबाउट एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट देन ही वॉज लास्ट मंथ. विथ प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज लाइक पेट्रोलियम फॉर्मिंग अप एंड ग्रीन शूट्स बिकमिंग विजिबल इन द इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक, वाइल डिमांड फॉर द यूरोपियन यूनियन वेर अनदर इंटरेस्ट रेट हाइक वॉज एन हाइट रेट वॉज अनाउंसड ऑन थर्सडे. तो वहाँ पर यूरोप में वापस से इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ा है. इज लाइकली टू रिमेन इंसिपिड. मिस्टर बजरवाल पॉइंटेड टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्शन ऑफ 2.4% ग्रोथ इन ग्लोबल ट्रेड इन 2024 एंड 1.7% एस्टिमेटेड इन 2023. आई होप एक्सपोर्ट्स विल ग्रो कंसिस्टेंटली फ्रॉम हियर. मतलब इनका कहना है कि अब यहाँ से एक्सपोर्ट्स बढ़ते ही जाएंगे हमारे. ग्लोबल ट्रेड इज लुकिंग अप स्पेशली इन गुड्स ट्रेड एंड आइटम्स लाइक ऑटोमोटिव्स ही सेड. Merchandise trade volume turned up in the second quarter after two quarters of decline, but still remains slightly below the trend. Another official said, referring to the WTO goods trade barometer, current reading of 99.1. अब देखिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला चीज हमारे लिए क्या हो जाता है, ये trade deficit. मैं आपको एक एक जो जो terms है वो चीज़ें यहाँ पे clear कर देता हूँ तब समझ में आएगा. आप देखिए ट्रेड डेफिसिट ये होता है कि आपके जो इम्पोर्ट है बढ़ गए प्लस एक्सपोर्ट है आपके घट गए. और यहाँ पे प्लस की जगह आप और भी लिखिए. उससे क्या होगा, आप देखिए इम्पोर्ट बढ़ने से मतलब होता है रुपीज़ बाहर जा रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है रुपीज़. और एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंडिया में अंदर आ रहा है, चाहे वो रुपीस आए चाहे वो डॉलर आए, और चाहे वो रुपीस जाए चाहे डॉलर जाए. तो इससे क्या होती है, तो हमारे जब पैसे बाहर जा रहे हैं या डॉलर अंदर आ रहा है आप देखिए, तो यहाँ पे इसको हम लोग ट्रेड डेफिसिट बोलेंगे. तो हम यहाँ से पैसे यहाँ पे आप एक्सपोर्ट में देखिए हम पैसे कमा रहे हैं. अगर ये सर्कल हमारी इंडिया है तो इंडिया में पैसा आ रहा है, हम अमीर हो रहे हैं. और यहाँ से हम किसी चीज़ को इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हम गरीब हो रहे हैं. अब देखिए कुछ चीज़ें एसेंशियली इम्पोर्ट होनी चाहिए, वो हमारे पास जैसे नहीं है अगर इंडिया में तो वो चीज़ तो अलग है, पर जैसे कुछ लग्जरियस प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम फ़ायदे में तब रहेंगे जब हम उसको इंडिया में बनाएंगे. यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे, यहाँ पे आपका जीडीपी बढ़ेगा, तो सब कुछ यहाँ पे होगा. पर इम्पोर्ट में क्या होता है, फ़ायदा उन लोग को हो रहा है और हम लोग यहाँ से पैसा उन लोग को देते हैं तो हम लोग का जो प्रॉफिट होता है उन लोग को मिलता है. यहाँ पे एक्सपोर्ट के केस में प्रॉफिट हम लोग को मिलेगा. तो ये सिंपल सा अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो इम्पोर्ट हमें बनाता है गरीब और ये हमें बनाता है अमीर. इसको पूरा लिटरल सेंस में नहीं लेना चाहिए पर इसका मतलब यही है. इसीलिए ट्रेड डेफिसिट अगर बढ़ रहा है तो वो हमारे लिए गुड नहीं है, वो हमारे लिए बैड है. हमें चाहिए कि एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़े इम्पोर्ट्स कम हो, तो हम यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर सेल्फ रिलायंट बनेंगे. ये बात यहाँ पर हो रही है. एक हो गया आपका ये जैसे मैंने आपको ट्रेड डेफिसिट बता दिया. अब देखते हैं और कौन सा टर्म था यहाँ पर हमारे लिए, करंट अकाउंट डेफिसिट. अब देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट ये इसी से लेना देना है इसका, करंट अकाउंट डेफिसिट जो पैसा बाहर जा रहा है उससे कम पैसा इंडिया में आ रहा है. मानिए मैं सौ रुपया मानिए, डॉलर मानिए, कुछ भी मानिए, मैं 100 रुपया बाहर दे दे रहा हूँ अपने घर से, पर मैं घर में ऐसा कुछ नौकरी काम ऐसा कर रहा हूँ कि मैं घर में मानिए 80 रुपीस ला पा रहा हूँ. 80 रुपीस यहाँ पे मैं रुपीस या डॉलर ला पा रहा हूँ. तो इससे क्या होगा कि हम गरीब होते रह रहे हैं, तो यही अकाउंट यहाँ पे हमारा अपना वीक हो रहा है, तो इसी को करेंट अकाउंट डिफिसिट हो रहा है और इसी से रिलेटेड है. अगर आपको इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि
कि आपके यहाँ पे भी करंट अकाउंट डिफिसिट की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या था, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स दिस ईयर हैज़ बीन ड्रिवन डिक्लाइन इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टॉप ऑफिशियल नथिंग टू एक्सपोर्ट पेट्रोलियम, ठीक है, लोअर देन डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ शिपमेंट्स। हाँ, एक ये पॉइंट मुझे आपको समझाना था कि ऐसा होता है कि जैसे आज रुपीस इज टू डॉलर, आप मानिए आपका हो जा रहा है, मैं आपको बताऊँ 80 रुपीस चल रहा है और वहाँ का 1 डॉलर है। अब बताइए जैसे यहाँ से मैं एक चॉकलेट भेज रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मैं 80 रुपीज़ का बना के चॉकलेट भेज रहा हूँ, ठीक है, 1 चॉकलेट, तो उन लोग को ख़रीदने में कितना लगेगा, 1 डॉलर। अब ऐसा सिनेरियो मानिए कि ये रुपीस हमारा सस्ता रुपया गिर गया, तो अपनी रुपीस हो जा रहे मानिए 90 रुपीस हो गए, ठीक है, और उनका 1 डॉलर है, पर मेरा ये सामान बन रहा है 80 रुपीस में। तो आप बताइए वही चॉकलेट जब मैं अब भेजूंगा एक, तो उन लोग को 1 डॉलर देना पड़ेगा, नहीं, उन लोगों को 1 से कम देना पड़ेगा, मानिए 0., ये क्या हो रहा है, सॉरी, ये 0.9 देना होगा। तो वो चीज़ है कि उनका फिर भी 0.1 डॉलर बच गया है इस केस में। तो यहाँ पे हो सकता है वो लोग ऐसे, अगर कोई 10, अगर यहाँ पे मानिए 10 चॉकलेट की बात हो रही है और यहाँ पे मानिए 10 की बात हो रही है, तो उन लोग को एक पूरे चॉकलेट का पैसा बच जाएगा, तो ये 10 के जगह यहाँ पे हो सकता है 11 खरीद ले, तो यहाँ पे वॉल्यूम तो इंक्रीज हो जा रहा है हमारा। तो वही बात हो रही है, वॉल्यूम में राइज आ गया, आप देखिए वॉल्यूम में राइज आ गया, पर डिक्लाइन इन वैल्यू शिपमेंट्स। तो यहाँ पे बस ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो मुझे बताना था। तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में, आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बता सकते हैं क्या रुपीज़ एप्रिसिएशन एक एक्सपोर्टर के लिए, जिसका ऐसा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, यहाँ पे कुछ बनाता है बाहर बेचता है, तो रुपीज़ एप्रिसिएशन मतलब रुपीज़ स्ट्रांग हो जाए, डॉलर वीक हो जाए, हमारे रुपीज़, मैं बात कर रहा हूँ 70:1 का रेशो हो जाए, तो क्या वो एक्सपोर्टर के लिए अच्छा है कि बुरा है। और सेम चीज़ यहाँ पे अगर रुपीज़ डेप्रिशिएट होता है, जैसे 90 वाला केस है, वो इम्पोर्टर के लिए कैसा है, तो आप मेरे को बता सकते हैं। और अगर आपको नहीं, मतलब थोड़ा भी कोई डाउट आ रहा है, आप मुझको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इसके ऊपर बहुत अच्छे से एग्जाम्पल को और एलेबरेट करके समझाऊंगा एक प्रॉपर वीडियो में। सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।